हाल ही में खबर थी कि रणबीर कपूर को लेकर इम्तियाज अली अपनी अगली फिल्म की प्लानिंग शुरू कर चुके हैं और अब खबर है कि इस फिल्म में वो रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट को लेना चाहते हैं। अब इससे एक इंसान मुश्किल में पड़ सकता है, वो है करण जौहर। करण जौहर, रणबीर कपूर आलिया भट्ट को लेकर एक ड्रैगन नाम की फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे आयान मुखर्जी बना रहे हैं, लेकिन अब यही जोड़ी इम्तियाज अली भी लेकर आएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी करण जौहर रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के साथ शुद्धि बनाना चाहते थे और फिर संजय लीला भंसाली ने उन्हें रामलीला से लॉन्च कर दिया। इसके बाद करण जौहर ने शुद्धि का आइडिया ही छोड़ दिया। ऐसे में अगर इम्तियाज अली पहले ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को साथ ले आते हैं तो फिर करण जौहर को एक बार फिर एक फिल्म का आइडिया छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो ड्रैगन की कास्ट बदलेंगे। लेकिन ड्रैगन की कास्ट बदलना काफी मुश्किल इसलिए है क्योंकि ड्रैगन 3 पार्ट में बन रही फिल्म है, इसलिए करण जौहर ने फिल्म में आलिया को फाइनल किया क्योंकि आलिया की उम्र अभी कम है। ऐसे में जब तक तीसरा पार्ट आएगा तब तक भी आलिया फिल्म को शूट करेंगी। करण जौहर की कई फिल्में अटकी हुई हैं जो अनाउंस होती हैं लेकिन शुरू नहीं हो पाती हैं। सलमान खान, करण जौहर एक साथ आते आते रह गए हैं और इन दोनों के ही फैंस इस बात से काफी निराश हैं। इसके अलावा करण के कई प्रोजेक्ट्स अटके हैं। एक साथ एक प्रेम, अब शाहरुख खान और रणबीर कपूर को एक ही प्रेम में कौन नहीं देखना चाहेगा। यह दिल है मुश्किल के 5 मिनट फैंस के लिए किसी सौगात से कम नहीं थे, लेकिन फिलहाल इस प्रोजेक्ट को केवल अफवाहों में जिंदा रखा जा रहा है। कलंक ये फिल्म करण जौहर के दिल के सबसे करीब थी। फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पर थी जो करण जौहर के पिता यश जौहर ने लिखी थी। फिल्म पहले आमिर को ऑफर की गई पर उन्होंने इसमें काफी बदलाव मांगे। इसके बाद करण जौहर ने फिल्म की कमान अभिषेक वर्मन को सौंप दी और इसके लिए अर्जुन कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा को साइन किए जाने की भी खबर थी। रामलखन रीमेक जोर शोर से 2014 में ही फिल्म का ऐलान हुआ। इसे रोहित शेट्टी बनाने वाले थे लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत बन गई इसकी कास्टिंग। हर कोई फिल्म में लखन बनना चाहता था, राम कोई बनना ही नहीं चाहता था। फिलहाल फिल्म डिब्बा बंद है। दोस्ताना दो खबर थी कि तरुण मनसुखानी ने फिल्म पर काम शुरू कर दिया था। कैटरीना कैफ ने फिल्म के लिए एक मीटिंग भी कर ली थी और दोस्ताना दो पर काम शुरू हो चुका था। फिल्म के हीरो थे फवाद खान और फिल्म पर काम बंद हो गया। सलमान खान एक्शन सीरीज, माना जा रहा है कि सलमान खान ने धूम 4 इसीलिए रिजेक्ट की क्योंकि उन्हें धर्मा प्रोडक्शंस के साथ अपनी खुद की एक्शन सीरीज प्लान कर रहे थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हुआ। शुद्धिकरण जौहर का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हुआ। पहले इस कहानी में सलमान खान थे, फिर ऋतिक रोशन ने उन्हें रिप्लेस किया और फिर वरुण धवन ने, लेकिन अचानक से फिल्म ही बंद हो गई। सारा अली खान, ऋतिक रोशन, माना जा रहा था कि करण मल्होत्रा की अगली फिल्म जो कि कॉमेडी है उसमें ऋतिक रोशन के साथ सारा अली खान डेब्यू करने वाली हैं, लेकिन ये फिल्म कभी शुरू ही नहीं पाई क्योंकि ऋतिक ने ये फिल्म कभी साइन ही नहीं की। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म के हीरो हैं टाइगर श्रॉफ और अभी तक फिल्म की हीरोइन मिली नहीं है और इसी कारण अभी तक प्रोजेक्ट शुरू हो ही नहीं पाया है। सैरात रीमेक, अगर सूत्रों की माने तो करण जौहर सैरात रीमेक में जुट गए हैं और इस फिल्म से डेब्यू करेंगे श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर। वहीं फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी करण जौहर ने हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फेम शशांक खेतान को दे दी है।